हाय फ्रेंड्स, वी आर धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा और बहुत एक्साइटेड हैं। आज गो डायमंड खत्म हुआ है, बहुत से लीडर्स को यहाँ पे सुना है, सिल्वर सब यहाँ पे सभी थे और बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं, बहुत से नए डिसीजंस लेके जा रहे हैं। और अभी आ रहा है समर कॉन्फ्रेंस और इस समर कॉन्फ्रेंस के लिए भी मुझे याद है जब हमारा पहला समर कॉन्फ्रेंस था और शायद हम लोग 9% पे थे और बहुत एक्साइटेड थे उस सेमिनार के लिए। हमारी अपलाइन ने बहुत एक्साइट किया था, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी थी। इतने सारे डायमंड्स एंड डब्बाओं को आप एक दिन के अंदर सुनते हैं, कुछ घंटों के अंदर, 4-5 घंटे में आप इतने सारे डायमंड्स एंड डब्बाओं को सुनते हैं, उनके एक्सपीरियंस को सुनते हैं। मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों, आपके जितने भी सवाल अभी तक जब से आप बिजनेस में आए हैं या इस साल में आपके जो भी सवाल हैं, गारंटी देता हूं उन सबके जवाब वहां पे मिलने वाले हैं। हमारे साथ ऐसा ही होता था, हमारे पास जितने सवाल आते थे अगली पिन के लिए, अगली पिन पे कैसे जाऊं, टीम को कैसे हैंडल करूं, नई टीम्स कैसे लेके आऊं, उन सवालों के जवाब हमें समर कॉन्फ्रेंस में मिलते थे और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते थे हमेशा हम इसके लिए। तो आप सब तैयारी करें, अपने साथ अपने टीम में बहुत से लोगों को लेके आएं और हस्बैंड वाइफ दोनों वहाँ पे आएं तो दोनों 1 और 1 11 हो जाएगा और बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू एट द समर कॉन्फ्रेंस। या हाय फ्रेंड्स, जैसे ही समर का टाइम आता है तो हम सबके दिमाग में आती है समर वेकेशंस, है ना। और वेकेशंस जब होती है तो हमें लगता है कि हमें भी जाना चाहिए छुट्टियों में, मम्मी के घर जाना चाहिए, या हम अपने हमारी डाउनलाइन वो भी सब हॉलिडे के मूड में होते हैं और हमारा बिजनेस थोड़ा सा